हम आ गए मैक्सिकन राइस की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, राइस बनाने के लिए आपने करना क्या है, आप गार्लिक को फाइन चॉप कर लेंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? इतनी जल्दी भूल गए? आहाना, कैसे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भूल जाओगे जलाल जी। आप ये देखे ना आहाना, आप गायब हो गए ना असल में। एक हफ्ता आप गायब रहे, तो और आपकी एनर्जी भी उस तरह से नहीं आई, तो मैं समझा पता नहीं कौन बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा पहचानने में देरी हो गई। और आप सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? करम मालिक का एहसान, आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त हंसते मुस्कुराते और बेहतरीन टीम के साथ काम करते हुए आपके सामने। आमीन आमीन आमीन। आना क्या फरमाइश करेंगे? कल मैंने आपकी रस्सी देखी, माशाल्लाह से अमेजिंग, बहुत अच्छी बनी, मैंने आज ट्राई की है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो मंदी जो हमने बनाई, मंदी की और राइस जो आपने बनाए थे अमेजिंग। हां थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वैसे हमने बिल्कुल तो खा दिया, आपने मुझे पहचाना नहीं यार, एक्चुअली सीरियसली मिस कर गया मैं, बट आप हमारी फर्स्ट कॉलर हैं और आप हमेशा से हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। फिर हम आपको जो है ना इंशाल्लाह शो के अंदर मनाएंगे सामने सबके, ठीक है? थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने चिली पेस्ट ऐड किया, नमक, काली मिर्च, अच्छा काली मिर्च ऐड किए, और अब हम टमाटो पेस्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है जी। ये हमने टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया, टमाटो पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से दोबारा से कुक करेंगे, ठीक है। ऑयल जब टमाटो पेस्ट का कलर ले ले, इट्स मीन के रेड हो जाए, तो इसमें आपने फिर बाकी के स्पाइसेस ऐड करने। अच्छा, अब हमने यहाँ पर गार्लिक की क्वांटिटी काफ़ी सारी ज़्यादा रखी थी, बिकॉज कि वो फ्लेवर जो है गार्लिक का इसमें शार्प रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शनल है कि अगर आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कीजिएगा, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। जो स्पाइस लेवल ज़्यादा रखना चाहते हैं और खाना चाहते हैं वो लोग इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन, और अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2-1 अदद टमाटर जो है इसमें शामिल करने इस तरह से। ये हो गया डन, और टमाटर को आपने इस तरह से, बेशक पल्पी टमाटर हो कोई इशू नहीं है, आपने इस तरह से डाइस काटना है, और राइस को इसी टमाटर के अंदर जू में इसके पानी में आपने दम देना है। और हम इसको ऐड कर देते हैं इधर, मसाला जो हमने बनाया है स्पाइस के साथ, ये हो गया परफेक्टली मिक्स, और अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे नमक हसबे जायका, जितना राइस है उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद हल्दी, टर्मरिक पाउडर जो है इसमें आपने 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया, और लाल मिर्च का पाउडर या लाल कुटी हुई मिर्च आप ऐड करें, या अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो आप पेपरिका पाउडर ऐड कर दें, ठीक है जी। ये हो गया डन, पेपरिका पाउडर हर घर में मौजूद नहीं होगा तो इसलिए हमने लाल मिर्च का पाउडर इधर ऐड किया है। ये हो गया बेस रेडी, ठीक है। बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी इसमें पानी के ऐड करेंगे, बिकॉज के स्पाइस जो इसमें हमने मसाले ऐड किए वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने राइस लेकर, ठीक है, ये हो गया डन, ये इस तरह से आपने परफेक्ट, ठीक है।
अब चावल को लेकर आते हैं यहाँ स्लो फ्लेम पे।